1990 अमेरिका का, क्या होता है कि वहां पर पार्क के अंदर शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर वहां के हिंदुओं को दिखता है और हिंदू लोग जो हैं इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दरअसल 1990 की सीएनएन की रिपोर्ट है। बाद में पता चलता है कि ये शिवलिंग नहीं था, ये ट्रैफिक डिवाइडर था, यानी कि ट्रैफिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक को संतुलित करने के लिए, ट्रैफिक के संचालन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ शिवलिंग की तरह दिखता है। मगर क्या हुआ था कि हिंदुओं ने वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी, उस पार्क के अंदर मंदिर जैसा माहौल बन गया। बाद में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि भैया ये शिवलिंग नहीं है, ये शिवलिंग नहीं है, ये एक ट्रैफिक डिवाइडर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका में ये जो गड़बड़ हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष जो है वो ट्रैफिक डिवाइडर की पूजा करने लगा था, वो जो एक स्ट्रक्चर है जो शिवलिंग नहीं था, कहीं इसी तरह का मजाक सुभाष चतुर्वेदी की जानकारी के जरिए तो नहीं होगा? दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के प्रकरण की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा पुरानी शराब में ज्यादा नशा होता है, लेकिन उसे बाजार में बेचने के लिए नई बोतल में भरकर लाना पड़ता है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण एक पुराने षड्यंत्र को नए अंदाज में पेश करके फिर से उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयत्न है। राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या के अंदर मोदी, योगी और शाह नजर नहीं आते। उस समय उनके गुरु अडवाणी, अवैद्यनाथ और जोशी दिखाई देते थे। समय के साथ कहानी के किरदार तो बदल गए, लेकिन शिकार और जाल नहीं बदला। इस तरह के षड्यंत्र का सीधा शिकार तो मुसलमान होते हैं। उनके खिलाफ नफरत फैलाकर उनसे मस्जिद छीनने का प्रयत्न किया जाता है। इससे हिंदुओं का भी भावनात्मक शोषण करके मूलभूत समस्याएं सुलझाए बगैर उनके वोट पर डाका डालकर सत्ता पर कब्जा किया जाता है। चुनाव के बाद मुफ्त राशन में से गेहूं गायब हो गया। महंगाई 25 साल में सबसे ऊपर के स्तर पर पहुंच गई। ऐसे में ठगी हुई जनता का ध्यान इस धोखाधड़ी से हटाने की खातिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग के मिलने की अफवाह उड़ा दी गई, ताकि लोग गेहूं और महंगाई को भूलकर मंदिर बनाने के लिए 500 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने पर राजी हो जाएं। सत्ता पक्ष को नाराजगी का खतरा टल जाए और ऐश करने के लिए खजाने में खूब माल जमा हो जाए। बनारस प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, इसको क्यूटो के समान पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया गया। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधान सेवक ने खुद किया, गंगा में डुबकी लगाई और मुख्यमंत्रियों का दरबार सजाकर उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। इसके बावजूद वाराणसी की 3 में से 1 कैंट सीट पर बीजेपी को सिर्फ 10,000 वोट से सफलता मिली, जो हार भी हो सकती थी। इसके बाद विधान परिषद में बीजेपी ने 36 में से 33 सीटें जीत ली, मगर वाराणसी में वो एसपी के बाद तीसरे नंबर पर रही और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया। इस चुनाव नतीजे ने सिद्ध कर दिया कि जनता को काशी विश्वनाथ मंदिर में रुचि नहीं है। उनका भावनात्मक शोषण करने के लिए मस्जिद तोड़ना अनिवार्य है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण 224 की सफलता को सुनिश्चित करने का एक प्रयत्न है। मस्जिद में कुछ लोगों ने पूजा पाठ की अनुमति मांगी तो निचली अदालत ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सर्वे का आदेश दे दिया। इस पर 25 सालों से कोर्ट का स्टे भी है, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। न्यायालय का काम कानून बनाना नहीं बल्कि उसका अनुपालन कराना है। इस प्रकार एक सांठगांठ के साथ वो घिनौना खेल फिर से शुरू हो गया, जिसके बारे में प्रसिद्ध शायर राजेश रेड्डी कहते हैं, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं।
इस मामले में निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर आपत्ति के बावजूद उन्हें नहीं हटाया, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट ने हटा दिया। न्यायालय के अंदर सर्वे रिपोर्ट 17 मई तक पेश होनी थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और पी एन एस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई थी, इसलिए बीच में एक नया ड्रामा खेला गया। सर्वे के तीसरे दिन हरिशंकर जैन बीमारी का बहाना बनाकर नहीं आए। उनके बेटे विष्णु जैन ने वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बता दिया। इस पर विष्णु जैन अदालत में वजू खाना सील करने की अर्जी लगा दी। इस प्रार्थना पत्र को फौरन तैयार हो जाना और 12 बजे से पहले दूसरे पक्ष की सुने बगैर ताबड़तोड़ आदेश जारी कर देना एक खतरनाक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, क्योंकि उस दिन छुट्टी के कारण कोई आदेश नहीं दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो चुका था। इसका मंशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मस्जिद का वजू खाना बंद करके नमाजियों की संख्या 20 तक मर्यादित करना थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मर्यादा को खत्म कर दिया और ये कहा कि मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने शिवलिंग का उल्लेख किया तो मुस्लिम पक्ष ने एतराज किया। अदालत ने अगर के साथ उसे सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए कहा, यह मालिकाना हक का मामला नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। एक ओर ये साजिश चल रही थी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो रवि कुमार दिवाकर की अदालत में नमाजियों के लिए वजू और शौचालय की दूसरी व्यवस्था करने की आश्चर्यजनक प्रार्थना कर दी। कोई और पार्टी अगर ये करती तो भाजपा उसको तुष्टीकरण का नाम देती। बाबरी मस्जिद के प्रकरण से इसकी तुलना करें तो इसमें नया ये है कि जिस घृणात्मक झूठ को फैलाने की खातिर लालकृष्ण आडवाणी को एयर कंडीशन रथ में बैठकर देश भर की यात्रा करनी पड़ी थी, वो काम मीडिया ने बैठे बिठाए कर दिया। इस झूठ का पर्दाफाश करना आवश्यक है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है जो हर मस्जिद में पाया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना भी जरूरी है और एक ऐसी न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें इस प्रकार की राजनीति और शोषण पर पूर्ण विराम लग जाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।